ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। ये बिना ईस्ट के बनेगा, बिना अंडा के बनेगा, और ये ओवन में भी नहीं बनेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। ये एक गांव में रहने वाली लेडीज भी इसे आसानी से बना लेगी, और ये बहुत ही घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के हमारा ब्रेड रेडी होगा। इसमें बिल्कुल भी हमें बाहर से जाकर खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बेकिंग करते हैं उनके पास वो सारी चीजें ये अवेलेबल होंगी जिससे मैं इस ब्रेड को बनाऊंगी। और इसका आप सॉफ्टनेस देखिए कितना ज्यादा ये सॉफ्ट है। और यहाँ पर फुल डिटेल रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी इस तरीके से ब्रेड बनाएं। और इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि आप इसे बिना कुछ लगाए ऐसे भी खाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया था। और अगर आप थक चुके हैं बिना ईस्ट की ब्रेड बनाते बनाते, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आता, टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप दोबारा फिर से रेसिपी सर्च नहीं करेंगे, इसकी गारंटी तो मैं देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल। जी हाँ, यहाँ पर मैं ले लूँगी एक बाउल, और यहाँ पर हम ले लेंगे 1½ टेबल स्पून शुगर। जी हाँ, ये देखिए मैं प्रॉपर मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी कम ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 1½ टेबल स्पून शुगर ले लिया है, और उसी से मैं ले लूँगी यहाँ पर 2 टेबल स्पून कर्ड दही। जी हाँ, ये मेरे घर का होममेड दही है, मार्केट की दही नहीं है, और ये खट्टी भी नहीं है। और यहाँ पर रैंडमली मैं डालूंगी दूध। जी हाँ, ये ठंडा दूध है, और लगभग 1 कप के मैंने यहाँ पर दूध डाला है, और इसे अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। इसमें जो मैंने शुगर डाला था वो अच्छे से डाइल्यूट हो जाए, इतनी देर तक हमें इसे मिक्स करना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर लेंगे 2 कप मैदा। जी हाँ, आप जब भी इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं तो स्पून और कप दोनों उसी का रखिएगा, मीन्स सेट जब भी आप खरीदते हैं तो उसी से मेजर कीजिएगा, ताकि आपका बिल्कुल भी मेजरमेंट ऊपर नीचे ना हो। ये देखिए मैं किस तरीके से इसे छान रही हूँ। छानने से क्या होता है, जो भी लम्ब्स होते हैं नहीं आते हैं, और कुछ भी इसमें इम्प्योरिटी होगी तो वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पहले 1 कप छाना, और फिर से मैं यहाँ पर लूंगी ये दूसरा कप। ये देखिए, तो टोटल मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप मैदा, और इसमें मैं थोड़ा सा चुटकी भर डालूंगी सॉल्ट, और यहाँ पर मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं यहाँ पर ऑयल भी डालूंगी। मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। पहले तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और दूध का यूज़ किया है ताकि ये थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में आ सके। ये देखिए, तो बस इसे अच्छे से मिक्स करना है, और इसका जो बैटर है थिक नहीं होगा जैसा हम ईस्ट के लिए रेडी करते हैं अपने डो को। इसका बैटर बिल्कुल केक का जैसे होता है ना हमारा, बिल्कुल वैसा ही इसका बैटर हमें बनाना है। और इसमें जितने भी लम्ब्स है बिल्कुल अच्छे से हमें उसको तोड़ना है, मीन्स ब्रेक करना है। इसमें लम्ब्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और मुझे थोड़ा सा यहाँ पर गाढ़ा लग रहा था। देखिए, दूध की जो क्वांटिटी है आपको अंदाजे से ही डालना है। क्यों? क्योंकि हमें जैसा इसका बैटर चाहिए बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी के आने तक हमें इसमें दूध ऐड करना है, और इस बैटर को आपको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कीजिए। और यहाँ पर मेरी वीडियो जो है थोड़ी फास्ट है, इसलिए आपको ज़्यादा तेजी से लग रहा होगा कि मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, पर बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के लगभग ले लिया है ऑयल। आप चाहे तो इसमें ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स और कर, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आप इसे स्लो मोशन में भी करके देख सकते हैं कि मेरी बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है। अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इनो को डालते हैं तो आपका जो ओवन है या फिर आप जिस भी बर्तन में बेक कर रहे हैं उसे आप अच्छे से पहले प्री हीट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम इनो डालते हैं तो ये राइज होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद हमें बिल्कुल भी इसे रेस्टिंग के लिए नहीं छोड़ सकते, तुरंत हम इसे बेकिंग के लिए हमें इसे चढ़ाना होता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर केक टिन को कर लिया अच्छे से ऑयलिंग, और ये देखिए अब इसका पूरा मेजरमेंट देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो ऊपर मैं दिखा रही हूँ वीडियो में
इस तरीके का अगर टिन है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें शेप जो है बहुत ही अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी में इसे बनाया है, और आगे मैं ट्राई करूँगी कि उसमें भी कभी बनाऊँ तो आप लोग के साथ शेयर करूँ। और इसकी प्राइस आप क्या रखेंगे आप सोच कर मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके का ब्रेड जो है आपको मार्केट में जल्दी मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। हम होम बेकर्स ही ज़्यादा करके इस तरीके के ब्रेड्स को बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पतीले में इसे रख दिया है, कोई भी OTG ओवन का यूज़ यहाँ पर मैंने नहीं किया है। और ये देखिए हमारा ब्रेड जो बन के रेडी हो चुका है, बेक हो चुका है, इसे लगभग 35 से 40 मिनट्स लगे थे। और बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे ऑयलिंग कर रही हूँ बटर से, आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, घी लगाइए, ऑलिव ऑयल लगाइए, आपकी इच्छा है। तो आप कभी भी इस तरीके के ब्रेड को जब ठंडा करते हैं तो आपको इस तरीके का जो कूलिंग रैक है, ये देखिए किस तरीके का मैंने नीचे में रखा है, वैसा रखिए, क्योंकि नीचे स्टीम नहीं बनना चाहिए। आप जब प्लेन सरफेस पर रखते हैं इस तरीके के ब्रेड को तो नीचे स्टीम बनता है और हमारा ब्रेड जो है गीला हो जाता है। और ये देखिए हमारा ब्रेड बन के रेडी हो चुका है। इसे हल्का सा मैं यहाँ पर बहुत ही हल्का सा मैंने कपड़े को गीला किया था और उसे रैप करके छोड़ दिया था लगभग 15 से 20 मिनट तक। और ये देखिए मैं इसकी स्लाइस करके आपको दिखा रही हूँ, लग रहा है ना बिल्कुल एकदम मार्केट स्टाइल ब्रेड। और इसका टेस्ट तो सच में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही औसम था। मैंने यहाँ पर दूसरी स्लाइस भी कट कर ली है और ये देखिए टेक्स्चर। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। तो इस तरीके का ब्रेड का प्राइस जो है कितना होना चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आजकल बहुत अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरीके के ब्रेड्स बना रही हैं और बहुत ही हाई रेट में इस तरीके के ब्रेड्स बिकते हैं। तो आई होप कि आज की मेरी वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।